हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरोडैक्टिल 2। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो पर्सन आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, आपको ये दिखा रहे हैं कि उन्हें आपसे बात नहीं करनी है, चाहे फिर वो ब्लॉक करके आपको दिखा रहे हो कि इन्हें आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, या फिर आप जब इनसे बात कर रहे हैं तो ये आपको मुंह पे बोल रहे हैं कि इन्हें आपसे बात नहीं करनी है। तो आज हम ये देखेंगे कि उस इंसान की एक्चुअली में क्या सोच है आपको लेकर, आपके साथ जो भी रिश्ता था या जो भी रिश्ता है उसको लेकर, तो वो चीज़ें देखेंगे। तो आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे, यानी कि अगर इन्होंने ब्लॉक कर रखा है या बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं आप में बात करने की, तो क्या है इस पर्सन की सोच। आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने उसी पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनकी सोच जानने के लिए आप आज इस रीडिंग तक आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और ग्रेटिट्यूड जरूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी hindi2@gmail.com, तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्क एंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए जो व्यक्ति बात नहीं करना चाह रहे हैं क्या है इस पर्सन की सोच। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए जो व्यक्ति बात नहीं करना चाह रहे हैं क्या है इस पर्सन की सोच। नाइन ऑफ सोच, सिक्स ऑफ कप्स, द लवर्स। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स जो व्यक्ति बात नहीं करना चाह रहे हैं इस पर्सन की क्या है सोच। एस ऑफ वैंड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए, लव, बॉटम ऑफ द डेक है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो मेजरली एनर्जी है वो है आपकी जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुलायन, कुंभ राशि। उसके अलग यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो एनर्जीज तो ओवरऑल यहाँ पर सभी आ चुकी हैं। नंबर मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 6, यानी कि जून मंथ, ये बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, चाहे अच्छे वे में हो या बुरे वे में। ठीक है, मुझे बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आप जिस इंसान को ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं ना, इन कार्ड्स के बेसिस पर यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन ना आपको भले ये चीज़ें दिखा रहे हैं कि ये आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, कोई दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं, और इवन हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर रखा हो सोशल मीडिया पर, बट मुझे यहाँ पर ये पर्सन ना आपको ढूंढते हुए भी नज़र आ रहे हैं विद दिस प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स कार्ड। यानी कि एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन चाहे कुछ भी आपको दिखा रहे हो, कुछ भी आपके मुंह पर बोल रहे हो, लेकिन ये पर्सन जो आपको बोल रहे हैं वो एक्चुअली में यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है विद दिस नाइन ऑफ सोर्ड्स कार्ड। यानी कि एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपको बोलकर ये सब चीज़ें या आपको ब्लॉक करके ये पर्सन खुद से परेशान होते हों, उस दर्द को महसूस करते हों, या उसी दर्द से ये भी गुजरते हैं जो दर्द ये आपको दे देते हैं।
ठीक है, आपसे बोल करके नहीं, आपसे बात नहीं करनी है या आपको ब्लॉक करके, तो मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन ने भले आपको ब्लॉक कर रखा हो, बात नहीं कर रहे हो, लेकिन डेफिनेटली आपको सोशल मीडिया पर ढूंढते भी हैं या आपके बारे में म्यूचुअल फ्रेंड से पता करते हैं या फिर इनकी इच्छा होती है आपको ढूंढने की, और जब आप इन्हें नहीं मिलते हो और ओवरऑल क्योंकि ये सब चीज़ें आप तक सेंड करते हैं, उसके बाद जब आप इन्हें नहीं मिलते हो ना, तो उसके बाद ये पर्सन ना पूरी की पूरी रात सो नहीं पाते हैं, पूरी रात इनकी जाग कर रो कर गुजरती है, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन भले आपको ये दिखा रहे हैं कि नहीं है दिलचस्पी, नहीं बात करनी, बट ये आपके लिए आज भी वो पैशन रखते हैं, वो जुनून इनके दिल में, इनके मन में आपके लिए है, और ये पर्सन वो जुनून, वो पैशन आपको दिखाना चाहते हैं कि आज भी इनके दिल में क्या है आपके लिए, आज भी इन्हें आपके बिना नींद नहीं आती है या आपसे बात करे बिना इन्हें नींद नहीं आती है, ये पर्सन आपको ये सारी बातें बताना चाहते हैं, वो मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिखा। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन आपसे ना बात करके भी आपके साथ जो भी पल इन्होंने बिताए थे ना, जो भी मेमोरीज थी आप दोनों की एक दूसरे के साथ, प्यार भरी जितने क्लोज आप आए थे, जितने भी क्लोजनेस आपकी बात हुई थी, जो स्पार्क था आप लोगों के बीच में, उसे एक प्लेजर की तरह देखते हैं, यानी कि मेरी लाइफ में बस चंद पल ही थे प्यार के, खुशियों के, आपके साथ के, तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन भले आपको ये चीज़ें दिखा रहे हो कि नहीं बात करनी और बहुत ज़्यादा रूड, रफ एंड टफ तरीके से आपसे बात कर रही हूँ, पर जितने भी पल इन्होंने आपके साथ बिताए हैं या जो भी इन्हें आपसे मिला है ना, उसे याद करके ये पर्सन डेफिनेटली उसे काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं, उसे एक ब्लेसिंग्स के तौर पर लेकर चलते हैं, या एक ये चीज़ मन में लेकर चलते हैं कि शायद इतने ही पल मेरी ज़िंदगी में खुशियों के थे, वो मुझे मिली और अब वो खुशियाँ मुझसे दूर हो गई। चाहे भले ये पर्सन खुद उन खुशियों को अपने आप से दूर कर रहे हो, बट ये आपको ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर से दिखा रहे हैं कि इन्हें आपसे बात नहीं करनी, और ऊपर ऊपर से इन्होंने ब्लॉक कर रखा है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ब्लॉक से अनब्लॉक करते हो, अगर आपने भी इन्हें ब्लॉक कर रखा है तो वो चीज़ें देख कर इन्हें और परेशानी होती है और ज़्यादा ये पर्सन डिप्रेशन की तरफ जाते हैं कि अब उसने ब्लॉक कर दिया, अब वो मुझे बुरा इंसान मानने लगी है या मानने लगा है, अब डेफिनेटली वो नहीं आएगा या आएगी, तो वो चीज़ें इन्हें डिस्टर्ब करती हैं और उस चीज़ को कहीं ना कहीं ये लेकर सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो कर रहे हैं वो आपके लिए सही कर रहे हैं, आपकी खुशियों के लिए सही कर रहे हैं, यानी कि इन्हें आपके लिए स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी था, अगर ये आपके लिए स्ट्रिक्ट नहीं होते या आपसे ये चीज़ें नहीं कहते तो आप बार बार इनकी तरफ आते, इनसे बोलते, इनसे बात करने के लिए कहते, तो इसीलिए इस पर्सन ने ऐसा कर रखा है और वो चीज़ें इन्हें खुद को परेशान करती हैं। ये पर्सन बार बार ढूंढते हैं आपको, तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली मुझे दिखा। तो यहाँ पर कुछ और ही माजरा मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन का, आपसे ना बात करने के पीछे का या आपको ब्लॉक करने के पीछे का। कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि देखो ये पर्सन ना किसी के कंट्रोल में है, एक ऐसे कंट्रोल में है जिसमें ये आना नहीं चाहते हैं, एक ऐसे डेविल की एनर्जी मुझे दिख रही है जो छुपी हुई है यहाँ पर। ठीक है, जिसमें ना तो शायद इस पर्सन को पता है कि कोई इन्हें कंट्रोल करना चाह रहा है या ये चीज़ें भी आपको छुपा रहे हैं, आपसे ये पर्सन छुपा रहे हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और देखते हैं, ठीक है, नाइन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच है जो ये बात नहीं करना चाह रहे हैं, इस पर्सन की सोच के बारे में बताइए, नाइन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। टावर, ओह माय गॉश, तो देखिए यहाँ पर क्या एनर्जीज आई है, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बात ना करके हर घड़ी हर पल रोते हैं, हर घड़ी हर पल इन्हें ऐसा लगता है कि ये टूट रहे हैं, टूट कर बिखर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से चीज़ें बिखर रही हैं और अल्टीमेटली इतनी तेज़ी से बिखर रही हैं चीज़ें कि ये उसे समेट भी नहीं पा रहे हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली खुद डिस्टर्ब हैं और ये आपको उस डिस्टर्ब एनर्जी में
अपने करीब नहीं ला पा रहे हैं या फिर ये पर्सन आपको दूर करके डिस्टर्ब डेफिनेटली खुद हो रहे हैं। हर दिन हर पल हर घड़ी डेफिनेटली इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सब खुशियाँ सारी जो भी आपसे प्यार मिला था सब मुझसे दूर हो रहे हैं, दिन पर दिन वो चीज़ें इन्हें तोड़ रही हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि सोच इनकी भी ये है कि ये परेशान है आपके बिना, ये भी रह नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन ना ऐसा कर रहे हैं। तो मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि यहाँ पर कुछ ऐसी वजह है जिस रीज़न की वजह से आपके पर्सन ऐसे आपको जानबूझकर अपने आप से दूर धकेल रहे हैं, आपसे बुरा भला कहकर, आपसे लड़ाई झगड़े कर ताकि आपके दिल में ये अपने लिए नफरत पैदा कर सकें। तो वो मुझे यहाँ पर अभी तक दिखा। और हम देखते हैं एस ऑफ वांड्स को, क्लैरिफाई कीजिए, बताइए क्या चलता है इस पर्सन के मन में, क्या है इनकी सोच जो बात नहीं करना चाह रहे हैं। फोर ऑफ कप्स, तो बेसिकली जब जब आपने इस पर्सन की तरफ रीच आउट करा है ना, जब जब आपने कोशिश करी है इस पर्सन तक बात करने की, तब तब इस पर्सन ने हर एक ऑफर को आपने जो भी इनकी तरफ भेजा है ना उसे इग्नोर करा है, उसे दूर धकेला है। लेकिन इनके दिल में हर पल उस ऑफर के मामले में वो पैशन जागा, हर पल इनके मन में वो चीज़ें चली कि जब आपने इनसे बात करने की कोशिश करी तो इन्हें उस वक्त में क्लियरिटी देनी चाहिए थी, उस वक्त में इन्हें बताना चाहिए था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनके मन में ये चीज़ें हैं, ये सोच है कि जब तक आप इनके लिए नेगेटिव नहीं होगे, जब तक आपके दिल में इनके लिए नफरत नहीं जागेगी, ये थॉट नहीं आएंगे कि ये इंसान जब मेरी तरफ नहीं खुद से बढ़ना चाह रहा या चाह रही तो मैं क्यों इसकी तरफ बढ़ूँ, तो जब तक आपके मन में ये थॉट नहीं आएंगे आप इनसे ना तो नफरत करोगे, ना दूर होगे, ना ये पैशन आपका ये कभी ख़त्म होगा। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना ये सोचते हैं कि ये मौके खो रहे हैं आपकी तरफ, आपके इनके तरफ बढ़ने के ये मौके भी खो रहे हैं, और आपके दिल में जो इनके लिए फीलिंग्स हैं, जज्बात है, प्यार है, उन्हें भी कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हैं, उन्हें भी मार रहे हैं। तो वो सोच है इनकी, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए क्या है इस पर्सन की सोच, गाइड कीजिए बताइए। द सन, तो देखिए यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स बेसिकली ये एनर्जी बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ इन्होंने जो भी पल जिए है ना, जितने भी पल आप लोग एक दूसरे के साथ रहे हो उन पलों को डेफिनेटली खुशियों के तौर पर लेकर चलते हैं। उस पल में ये कॉन्फिडेंट भी रहे, उस पल में इन्होंने खुशियाँ भी जी, उस पल को इन्होंने एक सच्चाई की तरह जिया, लेकिन वो पल अब पास्ट के पल ही बनकर रह गए हैं। वो सोच है इनकी, यानी कि इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि आपको इन्होंने अपने आप से दूर करा तो डेफिनेटली इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आती हुई खुशियों को भी ब्लॉक कर दिया, आपको ही ब्लॉक नहीं करा है, खुशियों को भी ब्लॉक कर दिया इन्होंने। तो वो चीज़ें, वो सोच है इनकी, भले इन्होंने आपसे ये दिखाया हो, ये पर्सन ये चीज़ें सोचते हैं कि ये इस वक्त में ना किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, ना आपसे ना इस रिश्ते से, तो आपको भी वो एक्सपेक्टेशंस क्यों दिखाएं, या आपके मन में इनके लिए वो एक्सपेक्टेशंस क्यों डालें। तो वो सोच है इनकी, यानी कि इन्हें ऐसा लगता है कि जब हम लोग मिल नहीं सकते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो उम्मीदें हैं इस वक्त में इनके लिए यही बेहतर है, उन उम्मीदों को वहीं पे ही फुल स्टॉप लगा दिया जाए ताकि आप आगे चलकर और ज़्यादा हर्ट ना हो। तो वो सोच है इनकी, लेकिन ये पर्सन खुद से यही सोचते हैं, बस उतने ही पल थे मेरे खुशियों के और अब वो खुशियों को मैंने खुद से ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए जो व्यक्ति बात नहीं करना चाह रहे हैं क्या है उनकी सोच, यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए। हर्मिट, ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनकर दिखा रहे हैं, ऐसा जाहिर कर रहे हैं आपको कि एकदम बैलेंस्ड एनर्जी में हैं और अपने काम पर बिजी हैं, बहुत अर्न कर रहे हैं, बहुत पैसा इनके पास है, बट नहीं, यहाँ पर ये पर्सन इस एनर्जी में है एकदम अकेले पड़ गए हैं, एकदम अकेला इन्होंने अपने आप को कर रखा है, और इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं या ये सोच है इनकी कि बेसिकली ये आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, इस तरह से एक ऐसा
माहौल ही आपके सामने क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आपको ये मौका दे रहे हैं कि आप इन्हें रिजेक्ट करो। ऑब्वियसली जब ये आपसे बात नहीं करेंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, तो आप भी एक पॉइंट पर आकर इन्हें रिजेक्ट कर दोगे कि जाओ तुम। तो ये पर्सन ना उस सोच की वजह से आपको ब्लॉक कर रहे हैं, वो चीज़ें, वो वजह इनके मन में चलती रहती है कि मैं तो इस वजह से तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो सोच है इनकी। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये पर्सन चार लोगों की, सोसाइटी की, इनकी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं और उसी रीज़न की वजह से आपको अपने आप से दूर कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है जैसे आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो और वो डिफरेंसेस सोसाइटी के आगे हाईलाइट हो और इस रीज़न की वजह से आपको दूर कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के केस में इनका ऐसा करने के पीछे का कारण मुझे ये भी दिख रहा है। ठीक है, द लवर्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए क्या है इस पर्सन की सोच जो बात नहीं करना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। यहाँ पे आया है आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इनके मन में ये चीजें चलती हैं कि बेसिकली आप एक ऐसे इंसान थे इनकी लाइफ में, या आप एक ऐसे इंसान हो जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप अपनी लाइफ को लेकर, अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा डिटरमिनेट हो, और अगर जब तक ये आपकी ज़िंदगी में रहेंगे, ये प्यार आपके सर पर सवार रहेगा, तब तक डेफिनेटली आप अपने फ्यूचर की तरफ, अपने कैरियर की तरफ नहीं बढ़ोगे। यानी कि आपके सर पर हमेशा ये बात चलती रहेगी कि मेरे को मेरा प्यार मिल जाए या मैं अपने प्यार में सफलता पालूं। एज एन आपके मन में ना सिर्फ प्यार ही प्यार चलता रहेगा कि मुझे बस प्यार में सफलता मिल जाए और कुछ मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप और कुछ भी अचीव करो, आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ प्यार को ही अपना उद्देश्य ना मानो, आप अपनी ज़िंदगी में और भी कुछ अचीव करो। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती है, यानी कि आपके अंदर वो हुनर इन्होंने देखा है, वो गट्स इन्होंने आपके अंदर देखे हैं और ये नहीं चाहते हैं कि आप इनकी वजह से उन सब चीज़ों को नकार दो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी इनके मन में चलती हैं, वो सोच है इनकी। ठीक है, कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप लोगों के बीच में ना कोई थर्ड एनर्जी है, एज एन कोई ऐसी महिला है जो कहीं ना कहीं ये चाहती हैं कि आपके पर्सन और आप दोनों मिलो ना, आप दोनों का रीयूनियन ना हो, और ये पर्सन उनकी वजह से आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं इतनी फीलिंग्स होने के बावजूद भी। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उनको भी ध्यान में रखकर अपने पैशन को, अपने जुनून को, अपने प्यार की जैसे कुर्बानी कर रहे हो उनको खुश रखने के लिए। तो इसकी भी कुछ लोगों के केस में मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है। लव के मामले में देखो, मुझे आप लोगों के बीच में ना ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन बेहद ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये पर्सन सोचते हैं, उसे जानते हैं, महसूस करते हैं कि भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन आप दोनों के बीच का कनेक्शन इतना प्योर है कि आप दोनों के बीच में भले इस वक्त में फिजिकली दूरियां हो जाएं लेकिन दिल से आप दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता। वो भी इनकी सोच मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है। लव के मामले में बताइए यूनिवर्स, जो इंसान बात नहीं करना चाह रहे हैं क्या है इनकी सोच, गाइड कीजिए और बताइए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ये पर्सन ना डेफिनेटली आपसे अपने आप को दूर जानबूझकर धकेल रहे हैं, जानबूझकर आपको ये बोल रहे हैं या ब्लॉक करके दिखा रहे हैं ताकि आप इनसे मूव ऑन करो, ताकि आप इनको, इनके साथ को पीछे छोड़कर इस डिस्टेंस को मेंटेन करके आगे बढ़ो। तो ये पर्सन ना आपके भले के लिए कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आपके साथ ऐसा करते हुए मुझे दिख रहे हैं। वो बात और है आप इन चीज़ों को मान रहे हो या नहीं मान रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन डेफिनेटली आपके दिल में अपने लिए हद से ज़्यादा नफरत भरते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, ओवरऑल एनर्जी कि ब्लॉक कर रखा है, सोशल मीडिया पे ब्लॉक इन्होंने कर रखा है, लेकिन फिर भी ये पर्सन ना आपको बार बार झांक झांक कर देखते हैं।
बार बार अपने आप को डिफेंड कर लेते हैं या आपको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्टैंड तो ले रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आपको अपने आप से दूर करने के लिए ये स्टैंड ले रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ये वजह इनकी दिख रही है काफ़ी क्लियरली। सवाल यहाँ पर ये आता है कि इतना प्यार, इतनी फीलिंग्स, इतने जज्बात होने के बावजूद भी आखिर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो वो देख लेते हैं 5 कार्ड्स के माध्यम से। वैसे यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ये दिखा है कि कोई थर्ड एनर्जी है, लेकिन मैं फिर भी 5 कार्ड्स निकाल के एक बार क्लियर करना चाहूँगी। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स आखिर ये इंसान ऐसा कर क्यों रहे हैं, इनके ऐसे करने के पीछे की वजह क्या है, गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ, जस्टिस, 3 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, एक कार्ड और दीजिए, बताइए आखिर इस इंसान के ऐसे करने के पीछे की वजह क्या है, गाइड कीजिए, बताइए। एम्प्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन पेज ऑफ सोर्स। बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं आपको, ठीक है, भले ही ब्लॉक कर रखा है इस बंदे ने या बंदी ने, बट डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा उसी सोशल मीडिया पे तलाश करते हैं, ठीक है। बेसिकली देखो, मुझे काफ़ी हद तक यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है इस पर्सन के ऐसा करने के पीछे की, कि आप लोगों के बीच में वजह है कपल, एम्परर और एम्प्रेस, ठीक है। यानी कि या तो इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनके ब्रदर उनकी वाइफ हो सकती हैं, ब्रदर उनके सिस्टर हो सकते हैं, यानी कि इनके सिबलिंग्स हो गए। तो मुझे यहाँ पर एक कपल दिखाई दे रहा है जो बेसिकली थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में बना हुआ है, इनके भाई भाभी ऐसे हो सकते हैं, इनकी सिस्टर और जीजा ऐसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर यही वजह है जिनकी वजह से ये पर्सन आपको दर्द दे रहे हैं और खुद को भी दर्द दे रहे हैं। इनके दिल में ये बात है कहीं ना कहीं कि ये इनके अगेंस्ट हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, इनके अगेंस्ट ये नहीं लड़ पाएंगे, और ये आपको इन्हीं की वजह से जस्टिस नहीं दे पाएंगे। वो बात इनके मन में काफ़ी ज़्यादा गहराई तक है, जिस रीज़न की वजह से आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, आपको भी दर्द दे रहे हैं, खुद भी दर्द फील कर रहे हैं। अगर आप मैरिड भी हो तो भी कपल मुझे दिख रहा है, और ये कपल की वजह से ही आपके पर्सन आपको जो न्याय मिलना चाहिए ना, आपको जो इज्जत मिलनी चाहिए इनके घर में या इनके साथ, वो ये नहीं दे पा रहे हैं और ना ये दे पाएंगे। उस मामले में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा वीक ये पर्सन समझ रहे हैं, ऐसा इन्हें लग रहा है कि इनके अगेंस्ट हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, ये अपनों के खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे, और ये अपने कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट इसीलिए है क्योंकि हो सकता है आपके बीच में डिफरेंसेस हो, या आप इनके पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, आप इनके मन मुताबिक नहीं चल रहे हो, तो कोई वजह है इनके मन में। जेलेसी भी हो सकती है किसी पॉइंट पर। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है वजह इस पर्सन की, कि इस रीज़न की वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं कि चलो ठीक है, ये इस वजह से बात नहीं कर रहे हैं और ये है इनकी सोच, या कुछ फिर भी ये कहना चाहते हैं इन सब के बावजूद भी, गाइड कीजिए, बताइए। आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू। तो देखिए, ये पर्सन आपको कभी भी नहीं भूल सकते, ये आपसे यही बात कहना चाहते हैं जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। आपको भूल नहीं पा रहे हैं इसीलिए रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं, और आपसे यही कहना चाह रहे हैं, नो अदर कंपेयर टू यू, तुम्हारा तो कंपेयर कोई कर ही नहीं सकता, तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं। आई गेट बटरफ्लाइज एवरी टाइम माई आईज लॉक विद योर्स। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे ना तुम्हारे सिवा डेफिनेटली कोई भी नहीं दिखाई देता या देती, तो ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं, हर वक्त तुम ही दिखाई देते हो। एवर सीन्स आई मेट यू नो बडी एल्स इज वर्थ थिंकिंग अबाउट। जब से मैं तुमसे मिला हूँ या मिली हूँ, तब से मुझे कोई और ऐसा इंसान नहीं मिला या लगा जिसके बारे में मैं बैठ कर सोचूँ घंटों तक। You are irreplaceable, क्योंकि तुम वो इंसान हो जिसे किसी से भी बदला नहीं जा सकता, किसी से भी कंपेयर तुम्हारा नहीं करा जा सकता। I want to marry you, मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली इनके अगेंस्ट नहीं लड़ पा रहे हैं, और इसीलिए ये पर्सन ना आपको अपने आप से दूर धकेल रहे हैं।
सवाल अगेन यहाँ पर आता है कि चलो ठीक है, इस वजह से ये बात नहीं कर रहे हैं और इस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन आपसे बात करें करेज दिखाकर, जो अभी इनके अंदर करेज नहीं है इनके खिलाफ लड़ने का। गाइड कीजिए, बताइए कि इस पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी कि ये पर्सन बात करेंगे या नहीं करेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। देखो मुझे बेसिकली यहाँ पर ये एनर्जीज दिखाई दे रही है कि टावर तो इन्हें अभी भी महसूस हो रहा है, यानी कि परेशान तो ये पर्सन है और कहीं ना कहीं इस परेशानी में ये आपको तो दूर धकेल रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी दिख रही है कुछ लोगों के केस में कि ये पर्सन ना आपके साथ खुद भी मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि ये पर्सन ना सुकून से नहीं बैठ पा रहे हैं। तो कुछ लोगों के केस में पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपसे जो बात कह रहे हैं ना कि मूव ऑन कर जाओ, दूर हो जाओ, ये आपको ब्लॉक करके दिखा रहे हैं, तो कुछ लोगों के केस में मुझे दिख रहा है ठीक है कि ये पर्सन आपसे बात कर ले। तो एनीवेज जो इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये है इनकी सोच और ये है उसके पीछे की वजह और ये आपसे ये कहना चाहते हैं। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से कुछ क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो आप अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।